ayo mano, ayo mano, bili ay, bili mili, bili. तबला बजेगा धीम धीम, तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। अपने इस हंसी टिटोली वाले व्यक्तित्व और तीक्ष्ण कटाक्ष के लिए लालू प्रसाद यादव सिर्फ बिहार या भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आज हम इनकी इस जीवन यात्रा को दिलचस्प तरीके से आपके सामने रखेंगे। लालू प्रसाद यादव जी का जन्म 11 जून 1947 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गाँव में हुआ था। लालू जी का नाम लालू इसलिए पड़ा क्योंकि वो बचपन से ही बहुत गोलमटोल थे, इसलिए पिता कुंदन राय ने प्यार से उनका नाम लालू रखा। लालू जी के पिता खेतिहर मजदूर थे। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा था। जब बड़े भाई की चपरासी की नौकरी लगी तब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आया और लालू जी भी अपने बड़े भाई के साथ रहने पटना चले गए। लालू जी की स्कूली पढ़ाई गोपालगंज में हुई। उसके बाद लालू जी ने पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए किया। कॉलेज के समय से ही लालू छात्र राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए थे। लालू जी कॉलेज में ही थे तभी जयप्रकाश नारायण आंदोलन शुरू हुआ था, तभी लालू जी इस आंदोलन के साथ जुड़ गए थे और उन्हें इस आंदोलन के तहत जेल भी जाना पड़ा था। केवल 14 साल की उम्र में लालू और राबड़ी की लव स्टोरी शुरू हुई। 1973 में लालू जब छात्र नेता थे तब 25 साल की उम्र में उनकी 14 वर्ष की राबड़ी के साथ शादी हो गई। लालू और राबड़ी के 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। 1977 में पहली बार चुनाव जीतकर लालू पटना से सांसद बने, फिर उन्होंने पलटकर नहीं देखा और कई वर्षों तक बिहार के सीएम भी बने। बहुचर्चित चारा घोटाले में लिप्त होने के कारण लालू प्रसाद यादव को 1997 में जब अपनी सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी तब उन्होंने राबड़ी को सीएम बनाकर पूरे बिहार की राजनीति में हलचल ला दी। हालांकि इसके बाद उन पर परिवारवाद को बढ़ाने के कई आरोप लगे। राबड़ी की बदौलत लालू बिहार में कई साल तक राज्य करते रहे। बाद में जब लालू जी की वापसी हुई तब लालू जी ने बिहार की कमान राबड़ी के पास ही रखी और खुद केंद्र में रेल मंत्री का पद संभाला। लालू जी को मैनेजमेंट गुरु भी माना जाता है। जब लालू 2004-2005 में रेल मंत्री बने तब रेलवे घाटे में चल रही थी, उसे लालू प्रॉफिट में ले आए। उन्हें IIM, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से गेस्ट लेक्चर के तौर पर बुलाया जाने लगा। उनकी मैनेजमेंट गुरु प्रोफेसर लालू की रेल के नाम से एक किताब भी छपी है। लालू को और राजनेताओं से अलग उनका जनता के साथ जुड़ाव बनाता है। उनकी स्मरण क्षमता गजब की है। अगर वह एक बार किसी से मिल लेते हैं तो उसका चेहरा और नाम वह फिर कभी नहीं भूलते। लालू एकाएक गरीब किसानों के बीच पहुंच जाया करते थे। सबका हालचाल लेना और बच्चों को मिठाई टॉफी बांटना उनके लिए आम बात थी। तो कुछ ऐसे हैं हमारे लालू प्रसाद यादव जी, जिनकी बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कौशल का लोहा विपक्षी भी मानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।